नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और हम सीख रहे थे तमाम मेन्यूज के बारे में। मेन्यूज से आज हम सीखेंगे जो कलर मूड है, बेस्ट कलर मूड कौन सा होता है आपकी इमेज के लिए उसके बारे में, और बिट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उनको जानने के लिए हम फोटोशॉप में चलते हैं और देखिए फोटोशॉप में हम अभी है तो हम कोई इमेज ले लेते हैं और एक्चुअली इनका क्या यूज है एक बार ठीक से मैं आपको बताऊंगा और इनके अर्थ को समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं बिट्स और क्या होते हैं कलर मूड्स और क्या होते हैं कौन सा कलर मूड आपके लिए बेस्ट होता है। तो चलिए कोई इमेज ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कोई इमेज में यहाँ से कोई इमेज लेता हूँ और कोई फ्लावर वगैरह कोई भी इमेज ले लीजिए। मान लीजिए ये वाली इमेज है। अब इस वाली इमेज को जैसे देखिए ओपन हो रही है, जैसे ओपन हो रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये तो इसका जो इमेज का है वो एड्रेस है, फिर ये जेपीजी फाइल रूप में है ये, और उसके बाद में जो इसकी जूमिंग है वो 100% है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे RGB 80x8 bit। आप यहाँ से देख सकते हैं RGB कलर लिखा हुआ है रेड ग्रीन ब्लू, और ये 8 bit में है। अब RGB कलर क्या होता है, क्या इनके यूज है, क्यों हम इस टॉपिक पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, कलर मूड को सीखना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए ये वाली इमेज आप कोई बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, या फिर ये वाली इमेज, या फिर आपकी कोई भी इमेज है जो डायरेक्ट आप प्रिंट निकलवाने के लिए दे देते हैं, प्रिंट निकल कर आ जाती है। तो सबसे पहले कलर की बात करूं तो कलर में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम उसमें आ जाती है कि आप जब भी प्रिंट निकलवाते हैं तो वो कलर क्लियर नहीं आता है। मेरा मतलब है कि निकलवाते कौन सा कलर है, कलर कौन सा आ जाता है, या फिर HD क्वालिटी में आपकी इमेज नहीं आती, वहां पर बिट का कारण पड़ जाता है HD क्वालिटी में, क्योंकि आपकी इमेज फटने लग जाती है। और RGB कलर की, अगर आपने RGB कलर अपनी इमेज में डाला हुआ है तो आपकी जो इमेज है वो है कि पोस्टर या फिर बैनर या प्रिंट निकल के आएगा तो जो कलर आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिलेगा, जो आपने चाहा था वो कलर आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा कलर चेंज मिल सकता है या फिर पूरा भी कलर चेंज मिल सकता है। आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में भी आ सकती है, बहुत खराब से आ सकती है, कलर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। अब RGB और CMYK के कलर की परसेंटेज वगैरह के बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए फोर बैकग्राउंड में कलर ओपन करता हूँ तो ब्लू कलर है। तो अब ब्लू कलर यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो RGB कलर है, देखिए RGB कलर यहाँ पर सिलेक्ट है, तो यहाँ पर RGB कलर क्या है 5, 68% और 23%। मान लीजिए मैं व्हाइट पर लेकर चलता हूँ, तो व्हाइट पर लेकर चलते हैं, देखिए 256, 252। तो एक्चुअली RGB कलर में क्या होता है, RGB कलर में यह होता है कि आपने जो इमेज बनाई है उसकी 256% तक होता है यदि आपका बिट जो है 8 bit का है। तो 256% एक कलर का है, 256% एक जो कलर होता है RGB कलर में, मान लीजिए ग्रीन कलर है, तो वो एक जो कलर है वो 256 प्रकार से बना, मतलब 256% सारे के सारे कलर मिलकर उस कलर को बना रहे हैं, और वो ये सारे के सारे कलर में एक कलर में 256 कलर मिलकर इस कलर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो RGB कलर में कहाँ सिलेक्ट करना चाहिए, RGB सिलेक्ट करना चाहिए जब हम कोई पिक्चर जनरेट कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, मोबाइल स्क्रीन के लिए, या फिर हमेशा हमेशा हमें कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन डेस्कटॉप आदि में देखना है, उसको बाहर जो प्रिंट आउट के रूप में हमें नहीं देखना है, फिर अपने जो फ्रेम्स वगैरह है उसमें रखकर हमें नहीं रखना है, उसे ओनली स्क्रीन पर चाहिए, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन हुई और जो भी स्क्रीन हुई हमें उन पर चाहिए, तो वहां पर RGB कलर सिलेक्ट करते हैं। चलिए इसको ओके रहने देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा बाद में। तो यहाँ से यदि इसके लिए तो आप RGB कलर सिलेक्ट करेंगे, RGB कलर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, लेकिन मान लीजिए इसी इमेज को आपको किसी ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हो, कोई बैनर पोस्टर वगैरह आप बना रहे हो, वहां पर ले जाकर इस इमेज को रखते हैं, या फिर कोई और भी इमेज है उसको रखते हैं, तो RGB कलर, मान लीजिए आपने जो बैनर पोस्टर की डिजाइन की वो CMYK के कलर में के ली, और जो RGB कलर की इमेज है उस पर ले जाकर डाल दी, तो आपको क्या होगा कि जब भी वो बैनर प्रिंट होकर आएगा तो आपकी जो इमेज है जो आपने डाली थी वो बहुत ही फीकी फीकी नजर आएगी। वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कलर रेंज की, क्योंकि आपने CMYK के कलर सिलेक्ट नहीं किया, तो बैनर पोस्टर और या फिर जो हम प्रिंट आउट के लिए हम देते हैं, प्रिंट आउट फोटो निकलवाते हैं जो हमारे, हम उसे चूज सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, देख तो सॉरी हम स्क्रीन पर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, प्रिंट आउट निकल कर आ जाती है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, बैनर वगैरह,
तो उन पर अच्छे से इमेज आए, वो इमेज की क्वालिटी अच्छी दिखे, तो उसके लिए हम CMYK के कलर सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने सेकंड अध्याय में बताया भी था कि क्या होता है जब न्यू फाइल बनाना बताई थी, तो यहाँ से जो RGB मोड है वो भी आपको क्या है चेंज करना होगा। यहाँ पर CMYK के पर क्लिक रखिए, जो भी अब आप इस इमेज पर लिखेंगे वो CMYK के कलर पर लिखा जाएगा, यहाँ से आप चेंज करके CMYK के कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना, इस इमेज को आपको CMYK के मोड पर करने के लिए इमेज पर जाएंगे, मोड पर जाएंगे, मोड पर जाने के बाद यहाँ से CMYK के कलर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे CMYK के कलर आ चुका है, तो CMYK के कलर यहाँ पर अच्छे से आप देख रहे होंगे आ चुका है, तो CMYK के कलर आ गया। अब CMYK के कलर में इसकी परसेंटेज देखते हैं क्या होता है। जैसे CMYK के कलर पर तो देखेंगे तो इसमें तो 252 या 256 सेम क्वालिटी जिसमें आ रही है, तो ये तो होगी कलर की बात। अब बात करते हैं बिट्स की, तो आप इस CMYK के कलर के पास में 8 लिखा हुआ दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, ये 3 बिट्स इमेज पर चलते हैं। अब 8 बिट का इसको चेंज कैसे करते हैं, मोड पर जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो 32 बिट हाईलाइट नहीं होता है अक्सर, क्यों नहीं होता है, उसका रीजन ये होता है कि 32 बिट पर फोटोशॉप के कई सारे जो टूल्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करते, और ये मान लीजिए ये जो है हाईलाइट हो भी गया तो आपने सिलेक्ट कर लिया तो कई सारे जो लगभग लगभग जो टूल्स है वो वर्क नहीं करेंगे अच्छे से, और वो हाईलाइट नहीं होंगे, कई सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, फिर जा करके वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो मैक्सिमम फोटो डिजाइनिंग के लिए क्या करते हैं, 8 बिट यूज करते हैं। मान लीजिए शादी की वेडिंग वगैरह कार्ड वगैरह डिजाइन करना है, सॉरी वेडिंग एल्बम वगैरह डिजाइन करना है, या फिर हमें छोटी मोटी फोटो प्रिंट निकलवाना है, छोटे मोटे बैनर बनवाने हैं, या फिर बड़े बैनर जो है हमें बनवाने हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा यदि आपको बैनर बनवाना है तो आपने देखा होगा कि जब कोई नेताजी प्रचार के लिए या फिर कोई पॉलिटिक्स पार्टी प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगवाती है, या फिर कोई कॉलेज वगैरह के जो आपने बैनर देखे होंगे बहुत ही बड़े बड़े लगवाती है, तो कुछ पोस्टर्स में आपने देखा होगा कि जो इमेज होती है वो थोड़ी फटी हुई नजर आती है, वहां पर इफेक्ट पड़ जाता है कि उसने जो डिजाइन की थी वो 16 बिट पे नहीं की थी, 8 बिट्स में कर दी और वो फुल HD में नहीं आई। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फुल HD कोई बड़ा बैनर पोस्टर बना लीजिए, 16 बिट्स पर हमें रखना है इमेज को। ये देखिए 16 बिट्स में अभी इमेज हो चुकी है, तो अब जब भी ये पोस्टर पर प्रिंट होके आएगी बहुत ही अच्छे से आएगी, और यहाँ से भी कलर हमें CMYK करना है, कैसे चेंज करना है अभी बताया था मैंने, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से CMYK कलर सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, कमेंट्स बार बार रहे हैं कि यार 75 MB में मैंने फोटोशॉप को कैसे डाल दिया, कि इतना तो यार बढ़िया सॉफ्टवेयर और फ्री में भी मिल रहा है तो ये कैसे आ गया। एक्चुअली जो 75 MB का है वो तो मैंने उसे बनाया है सिर्फ फाइल को, एक्चुअली ये फोटोशॉप लगभग 500 MB का आपको पड़ेगा, जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने आएगा 399 MB या 599 MB के समथिंग में आपके फाइल मांगेगा, और आपको एक फोल्डर सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ पर इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फोल्डर जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये आपके एप्स में जो है नहीं दिखाएगा, आपको ने जो फोल्डर सिलेक्ट किया था वहां पर जाना पड़ेगा, और वहां पर जाने के बाद आपको एक फाइल बनी हुई मिलेगी जिसका नाम होगा फोटोशॉप पोर्टेबल, और उसका चिन्ह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से आएगा, और फोटोशॉप पोर्टेबल नाम से वो है फाइल आएगी, तो वहां से आपको क्या करना है उसे सिलेक्ट करना है, और वहां से आपको उसे ऑन करना होगा, हर बार वो परमिशंस मांगेगा तो परमिशन आपको हर बार देनी होगी। यही इफेक्ट पड़ता है कि जो आपका फोटोशॉप है इतनी कम MB का हो गया है, क्योंकि ये हमें एप्स जो है हाईलाइट आइकन्स नहीं देता है, और हमें फोल्डर सिलेक्ट करता है और हर बार अनुमति लेता है। इसी को मैंने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया, इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा कम MB में कर दिया, लेकिन फीचर्स सारे सेम है, घबराइए मत, फीचर के साथ मैंने आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं इतनी कम MB में, और मैंने इसका जो कोडिंग है वो तोड़ दी है। उसके बाद में क्या होता है कि इस जो सॉफ्टवेयर है इसने कोड मांगना बंद कर दिया है, वो आपको कोई हमेशा के लिए फ्री दे रहा है, यदि आपको कभी मांगने भी लग जाए तो आपको जो है परमानेंटली आपका सॉफ्टवेयर जो डिलीट नहीं होगा, आप इसे अपडेट्स भी कर सकते हैं साथ में, इसका यह भी फायदा है। तो आप ये मत सोचिए कि कम MB होता है तो कम डेटा MB ले रहा है, डेटा कम ले रहा है तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा, मैं ही उसी से आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा, तो उसकी आप फिक्र न करें और अच्छे से चलाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको,
तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फोटोशॉप को फोटोशॉप सीसी डाउनलोड कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। गूगल में जाइए, वहां से आपको कम से कम 1.5 GB का पड़ेगा और वो आपको प्रॉपरली वर्क जरूर करेगा, ये भी प्रॉपरली वर्क करता है वो भी शायद। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि रैम रोम की जो इश्यू आ जाता है तो वो अच्छे से कई बार इंस्टॉल नहीं हो पाता है, इंस्टॉल में इरोरेशन बता देती है। तो इसमें कोई भी नहीं बताएगा, चाहे कोई सा विंडो हो, चाहे रैम आपकी 1 GB हो, चाहे 2 GB हो, चाहे आपके हार्डवेयर कितनी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सारी कोडिंग तोड़ के मैंने बताई है। अब ये मत पूछिए किस तरह से आपने कोडिंग तोड़ दी। तो देखिए दोस्तों, अभी फोटोशॉप की सीरीज चल रही है, टेक्निकल वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इसकी जब मैं बेस उठाऊंगा, तो जब वेब डिजाइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा, तब मैं बता दूंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर की कोडिंग तोड़ी जाती है और कैसे सॉफ्टवेयर को, बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे जो है MB में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं। अभी के लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में आएगा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखकर बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।